अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चिकन करी की रेसिपी, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी है और इसमें कोई भी मैरिनेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन, एक फुल चिकन ले लिया है। उसके बाद अनियन ले लिया है मैंने, टोमेटोज़ ले लिए, अपने चिकन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उसके बाद एक पैन में आपने ऑयल ले लेना है और उसको गर्म होने देना है। उसके बाद एक टेबल स्पून आप इसमें जीरा डाल देना। जब ये पक जाएगा उसके बाद इसमें आपने जीरा डाल लेना है। अपने चिकन के अकॉर्डिंग आपने ऑयल लेना है, जितना आप क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें डाल लिया है अनियन जो चॉप करके रखा था, और इसको अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके पास जिस भी ब्रांड की है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पेस्ट नहीं है आपके पास तो आप सिंपल अदरक और लहसुन को कूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अनियन को पका लिया है अच्छी तरह, और अब इसमें मैंने एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया है, और इसको भी दो से तीन मिनट के लिए मैं पका लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टोमेटोज़। मैंने यहाँ पे तीन टमाटर ऐड किए हैं और इनको चॉप करके ऐड कर लेना है, और फिर इसको हम पकने देंगे। और फिर इसमें हमने ऐड कर लेने हैं मसाले, ठीक है जी। और मसाले में मैंने ऐड कर लिया है रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, और एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद एक टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर मैंने यूज़ किया क्योंकि उससे कलर अच्छा आता है। और उसके बाद मैं डाल लेती हूँ इसमें धनिया पाउडर, नमक, और जो भी मसाले मतलब आप डालना चाहें, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से पका लेना, और तब तक के लिए इसको पका लेना है जब तक ये ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। आप मसाले के साइड से देख सकते हैं, 5 मिनट के बाद अगर ये ऑयल रिलीज़ करेगा तो फिर सोचो आपका मसाला पक चुका है। और यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है, और अब इसको मैं ढक के 5 मिनट के लिए पका लूँगी। तब तक मैं, जब तक ये मसाला पक रहा है तब तक मैं एक कप के करीब मैंने दही लिया है, उसको मैं अच्छी तरह विस्क कर लूँगी, और उसके बाद हम इसमें वो ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए जी, मसाला हमारा पक चुका है, इसमें साइड से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखिए, अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी दही। दही से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हमें मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप स्टार्टिंग में बनाना चाहते हैं बिगनर्स के लिए, बिगनर्स अगर बना रहे हैं ये, तो उनके लिए बहुत इजी रहने वाला है, कोई भी मैरिनेशन में टाइम वेस्ट नहीं होगा, और ये इस तरह भी बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है दही ऐड करके, और फिर इसको मैं ढक कर पका लूँगी 5 मिनट तक, जब तक ये भी ऑयल रिलीज़ कर लेगा तब तक के लिए हमने पका लेना है। और ये पक चुका है, और ये देखिए इसका ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। और अब मैं इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर लूँगी सारे। चिकन में आप ना थोड़े थोड़े कट्स लगा लिया करें, उससे क्या होता है कि ये अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम इसको ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे, और ये क्या करेगा कि वाटर रिलीज़ करेगा, ठीक है। फिर उसको थोड़ी देर और पकाने के बाद जो है हम उसमें ऐड करेंगे जो फर्दर ऐड करना हुआ जो कुछ भी। अब इसमें मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, और अगर जो मिर्ची खाते हैं ज़्यादा तो वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फूड कलर भी ऐड कर लीजिए, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको मिक्स कर लिया, अब इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। पानी आप अपने हिसाब से कर लें, जितनी भी आपको करी बनानी है और उतना आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया तकरीबन 2-3 कप के करीब, और फिर इसको मैं ढक कर पका लूँगी 15 से 20 मिनट तक, और 15-20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। बीस मिनट हो चुके हैं, चलिए हम देखते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से
पका हुआ नज़र आ रहा है। चिकन हमारा पक चुका है, अच्छी तरह से ये गल गया है और अब इसको हम बंद कर देंगे गैस को, और उसके बाद जो है इसको हम प्लेट आउट करेंगे और चलिए एंजॉय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप मेरी मिस ना करें।